लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। पुलिस आयुक्त लखनऊ सुजीत पांडे के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रईस अख्तर के मार्गदर्शन तथा सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी व अर्चना सिंह सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज के निकट पर्यवेक्षण में थाना सुशांत गोल्ड सिटी अंतर्गत अवध विहार योजना में दोदन खेड़ा के पास सुशांत गोल्ड सिटी प्रभारी निरीक्षक सचिन कुमार सिंह के नेतृत्व में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। यह बदमाश इटिका कार संख्या UP 32 किलोन्यूटन 1300 से वारदात करने के लिए जा रहे थे। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हुए। सर आज जो मुठभेड़ हुई क्या था पूरा, मतलब किस तरह से इन लोगों को पकड़ा आपने? ये थाना सुशांत गोल्ड सिटी में ये लोग चेकिंग कर रहे थे आवश्यक ग्राम के पास, तभी पता चला कि अटका बाद में 6 बदमाश जो है कहीं डकैती की फिराक में है जो गाड़ी से जा रहे हैं। इन लोगों ने उनको इंटरप्ट किया और पता किया तो इसमें 6 लोग मौजूद थे और इनके पास से 3 देसी तमंचा 315 बोर और 1 पिस्टल 32 बोर बरामद की गई। उसके साथ रुखे और कारतूस भी बरामद हुए। इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि मोहन लालगंज में सिसेंडी ग्राम में किसी गल्ला व्यापारी के यहाँ डकैती की योजना बना रहे थे और जांच किया गया इनकी गाड़ी में तो 3 जिंदा बम भी मिले और इन 6 लोगों के बारे में पता किया गया तो इसमें 3 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी मिली हुई है। बाकी लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री की तलाश की जा रही है और ये इसमें से 3 लोग मलिहाबाद के रहने वाले हैं, एक पारा का है और एक सीतापुर का रहने वाला है और एक बाराबंकी का रहने वाला है। सर क्रॉस फायरिंग किस तरह से हुई है? जब पुलिस ने इनको इंटरप्ट किया तो इन्होंने भागने की कोशिश की, उसी में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और अपनी आत्मरक्षा गोली चलाई जिसमें इसमें 2 लोग को गोली लगी, पुलिस के एक सिपाही को भी चोट आई है इसमें और इनको सबको अस्पताल में मेडिकल कराया गया है और बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, थैंक यू। इसमें सर 2 अपराधी ऐसे हैं जिनकी जो बहुत ही हार्ड कोर क्रिमिनल है। ऐसे मुझे जानकारी आ रही है कि 2 लोग ऐसे हैं जो हार्ड कोर क्रिमिनल है, उनका काफी लंबा अपराधी की इतिहास है। ये कौन लोग हैं सर जिनका इतना अपराधी की इतिहास है? इसमें जो अभी हमारे पास क्रिमिनल हिस्ट्री है जी उसके हिसाब से तो कम है, लेकिन हमने अभी क्राइम ब्रांच में हमने जो केस में ज्ञान यादव के ऊपर इन्फॉर्म कर हालांकि जो अभी हमको पता चला वो केवल 3 पता चला है और हारून के पास तो 9 है ही जी जी और अखिलेश शुक्ला के पास भी बहुत मुकदमे हैं। इसमें हत्या में भी इसमें हत्या के तो नहीं है, 392 307 के हैं।